चेंज कर लेंगे, सबको बुलाएंगे। अखिलेश मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस सिनेमा में बहुत कमाल का किरदार किया है अविनाश जी ने। अविनाश जी को हम लोग एक्चुअली पहले सरप्राइज पैकेज रखना चाह रहे थे, ट्रेलर में हम लोग रखना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि नहीं डालिए। आज आलोक ने कहा नहीं मत डालिए, हम लोग सरप्राइज पैकेज रखते, खाली पोस्टर पर रखते हैं। ये हुआ कि नहीं नहीं, इन्होंने जो किरदार किया है, जो रोल किया है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। नचनिया से ही मैं इनका फैन हो गया था, लेकिन इन्होंने इस सिनेमा में जो रोल किया है बहुत डिफरेंट किया और कमाल किया है। संभावना सेठ मेरी एक ऐसी दोस्त है जो मेरे एक बार कहने पर मैं पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा, गाली तो बहुत देती है मुझको, बोले ठीक है अभी तू ज्यादा प्रोफेशनल मत बन, मैं पहुंच रही हूँ। और इन्होंने जो गाना किया, गाना करने से एक घंटा पहले दो घंटा पहले इनके पैर में मोच आ गया, लेकिन जो इन्होंने गाना उसके बावजूद किया, मैं ऐसी हो गया इनका फ्रेंड। हमारे सोनू और दिलीप पांडे, विनोद भैया और ओम झा साहब, आमिर रजा साहब ने बहुत कमाल गाना गाया है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे रजनीश जी। और निर्माता के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि मैं सिनेमा यही बनाऊंगा, तो मैंने कहा हमको लेके बनाएंगे अगर आपका डूब गया पैसा, तो बोले मैं 1 करोड़ पानी में डालना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिनेमा चोली घाघरा नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आर्टिस्टिक फिल्म, आप बनाइए, मुझे रिकवरी नहीं मिलेगी तो मैं सोच लूंगा, जाने दीजिए। लेकिन मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बदलना भी चाहता हूँ, मेरे और भी बिजनेस। और एक आदमी जो सामने से क्लैपिंग मार रहा है, जिसका नाम है फिरोज खान, सिनेमा बनाने में इन्होंने जो पसीना अपना बहाया, आप इधर आइए, बदमाशी मत करिए, इधर आइए पहले। इनका जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इस फिल्म का निर्देशक मेरे छोटे भाई हैं आलोक सिंह, ये एड फिल्मों के डायरेक्टर हैं। इन्होंने बोला कि मुझे बर्दाश्त कर पाओगे भैया तो मैं सिनेमा बनाऊंगा। पहली बार मुझे इतने 180-190 सिनेमा करने के बाद ये डायरेक्टर मुझे बोलता था कि जो कह रहा हूँ चुपचाप करिए, अपना दिमाग मत लगाइए, और मुझे वही करना पड़ा जो ये बोलते थे। और मुझे लगा कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ एक डायरेक्टर के तौर पर इनसे। बाकी आप लोग, अब मैं चाहूंगा कि संभावना जी तो सब बोले, आप बोले कुछ। के जी आ चुके हैं, बुला लीजिए। के जी आइए महाराज, सबसे लंबे इंच हो गए, ये टाइम है आने का आपका। ये मैं अच्छा पहले के जी आ जाए स्टेज पे। थैंक यू मैडम, वेरी नाइस। चलिए आपको पकड़िए, थोड़ा पीछे सीधा। ऑलरेडी मनोज ने बता दिया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वाकई बहुत पुरानी दोस्ती हमारी। और मैं इस इंडस्ट्री में अगर जेन्युइनली किसी को अपना दोस्त मानती हूँ तो वो मनोज है, क्योंकि आप सबको जानते हो इंडस्ट्री में, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको मैं मानती भी हूँ, और वो मनोज टाइगर है। मेरे बहुत सारे उतार चढ़ाव में, बहुत सारे मैंने ऐसी स्टेजेस देखी हैं एज एन एक्टर। सभी लोग ऐसी स्टेजेस से गुजरते हैं जहां पर आपकी जिंदगी में बेसिकली करियर में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। तो यहां पर बोलते हैं कि आपको चढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं, आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। तो वो बहुत सारे मैं जानती भी हूँ, किस किस का नाम लूँ, लेकिन ऐसों का नाम लेना बहुत जरूरी है जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया हो जिंदगी में, तो वो मेरे लिए मनोज टाइगर है। तो साथ में बेसिकली आलोक जी की बात जरूर करूंगी, क्योंकि मेरे गाने बहुत सारे किए हैं, आप सभी लोगों ने मुझे मैक्सिमम घाघरा चोली में देखा होगा। जैसे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे थे ना मुझे घाघरा चोली नहीं चाहिए, तो घाघरा चोली में सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा देखा है। परफॉर्मेंस वाइज सबको पता है कि मैं कर ही लेती हूँ, अच्छी एक डांसर होने के नाते मैं अपना काम ठीक तरह से करके जाती हूँ, अच्छा काम करके ही निकलती हूँ मैं एक मंथ से। लेकिन आलोक जी की मैं स्पेशली मेंशन यहाँ पे इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ही वॉज सो वेरी क्लियर कि मुझे संभावना का लुक क्या चाहिए। मुझे एक साड़ी में संभावना चाहिए, मुझे अगर मैं गाना ही मैं पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, तो मुझे उसमें कुछ अश्लीलता नहीं चाहिए। चाहे वो गाने के जो बोल हैं वो वैसा लुक मांग रहे हैं, लेकिन मुझे अश्लीलता गाने में नहीं चाहिए, मुझे संभावना का पर्टिकुलर लुक चाहिए। फर्स्ट टाइम मुझे काम करके ऐसा लगा कि मैं एक बहुत ही सुलझे हुए
एकदम जिसको मतलब कहते हैं ना पारदर्शी और इनको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी फिल्म में, उस डायरेक्टर के साथ में काम करी और इनके साथ में दोबारा दोबारा बार बार काम करना चाहूंगी आलोक। सो एंड वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल दी टेक्नीशियंस, चाहे वो फिरोज जी हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे यहाँ पे म्यूजिक कंपनी के मालिक यहाँ पे हैं, एवरीबॉडी इज योर एंड केके जी इधर हैं, एंटायर इंडस्ट्री इज योर, थैंक यू सो मच, इस इंडस्ट्री का पार्ट रही हूँ, अब आप लोग चाहे ना चाहे रहूंगी तो मैं जरूर। मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा संजीव जी को, क्योंकि गंगा वहीं से बही है तो हम सब पानी पी रहे हैं। उन्होंने पहले ये फैसला किया कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है तभी हम लोग जुड़ पाए, और उसके बाद मनोज जी ने, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा मेरी फिल्म चले ना चले, लोगों को पसंद आए ना, उन्होंने हमेशा मुझे फोन करके कहा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो और तुम्हें काम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तुम्हारे अंदर एक बात है, हमेशा मेरा मनोबल उन्होंने बढ़ाया ही है, कभी नीचे नहीं किया और हमेशा मुझे पुश किया है, और सिर्फ ये नहीं कि बातों में आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं आप इस फिल्म में काम करो। तो काफी लोग तारीफ तो करते हैं लेकिन काम की बात पे पीछे हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है, जो भी है। और बात करूं अगर मैं आलोक जी की, तो ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो जब एक्शन हो जाता है ना उसके बाद जब तक एक्टर अपनी भड़ास ना निकाल ले तब तक वो कट नहीं बोलते, वो छोड़ देते हैं आपको, कुत्ते की चेन खोल देते ना भाग, और उसके बाद वो जितना करना चाहे अपने अंदर का पूरा टैलेंट दिखा दे फिर वो बोलेंगे कट। तो एक्टर को इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, सब कुछ करने का मौका मिलता है। और एक बात कहना चाहूंगा फिरोज भाई के बारे में कि हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे और लाइट बहुत जा चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, इनके पास जो रिक्वायरमेंट थी वो शायद उस टाइप की नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला नहीं मैं इस शॉट को इस तरीके से लूंगा। तो एक ऐसे डीओपी हैं जिनको मैंने देखा जिनके पास प्लान ए प्लान बी प्लान सी तैयार रहता है, ऐसा नहीं कि मैं इस शॉट को ऐसे ही लूंगा और मुझे चंद्रमा यही चाहिए और दो घंटे वेट करूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या, तो उनके पास प्लान बी होता है, तो मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये करूंगा लेकिन क्वालिटी निकाल के दूंगा। और उन्होंने पूरा पसीना बहाया, इस बात को मैं अच्छी तरह मानता हूं। और म्यूजिक में ओम जी ने कमाल का काम किया है, रजनीश भाई ने दिन रात मेहनत की है आखिरी दम तक, जब तक अब ट्रेलर हमारे सामने आ गया तब तक। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म का पार्ट बनकर।